वेलकम दोस्तों, आज की इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं HBS के बारे में। HBS क्या होता है? हैंडल बार व्यू इंजन के बारे में। तो जैसा कि हमने लास्ट की दो वीडियो में हमने देख लिया है, हमने पग भी डिस्कस कर लिया आपके साथ और EGS भी कर लिया है। अब इसमें हम यूज़ करते हैं हैंडल बार व्यू इंजन। तो जो मोस्टली यूज़ करते हैं वो यही यूज़ करते हैं, कोई EGS यूज़ करता है, कोई पग यूज़ करता है, कोई HBS यूज़ करता है। तो व्यू इंजन के बारे में ये मेरी लास्ट वीडियो है, बाकी आपको जो पसंद आया आपको वो आप व्यू इंजन यूज़ कर सकते हो। तो इसमें और बता देते हैं हम आपको HBS में कैसे यूज़ करते हैं और क्या क्या सेटअप होता है इसमें। स्टार्ट करते हैं। तो HBS को यूज़ करने के लिए आपको क्या करना है, इसमें कमांड दे रखी है ये वाली, इसको कॉपी करो, यहाँ पर पेस्ट कर दो। ये क्या पेस्ट हो गया, ये कॉपी करो, कॉपी नहीं हो रहा है। एक सेकेंड, npm install HBS, इसको इंस्टॉल करा हमने, ये आपका इंस्टॉल हो रहा है और इंस्टॉल हो गया। ठीक है, अब जैसे ही आप पैकेज के अंदर जाओगे तो यहाँ पर ही आ गया आपका HBS, इंस्टॉल कर लिया हमने। ठीक है, अब इसको यूज़ करना है। यूज़ करने के लिए इसको मैं बंद कर देता हूँ, वापस से ऐप फाइल में आ जाओ। जैसे हमने ये यूज़ कर रखे हैं, EGS यूज़ करा था, पग यूज़ करा था, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। सेम आपको यूज़ करना है ऐप डॉट सेट व्यू इंजन। कौन सा व्यू इंजन यूज़ कर रहे हैं इस बार, यूज़ कर रहे हैं हम HBS। अब मैं जाता हूँ, एक फाइल बना लेता हूँ मैं। तो अभी आपको जो फाइल बनानी है वो डिफ़ॉल्ट जो व्यूज़ बनाया हुआ है उसके अंदर ही बनानी है, क्योंकि अभी हमने कोई भी पास सेट नहीं करा है। जैसे कि मैं इसमें कुछ भी लिखता हूँ, मैं HBS व्यू इंजन, इसको मैं सेव करता हूँ। व्यू के अंदर जाके होम नाम से सेव कर दिया मैंने, होम डॉट HBS। तो आपको इस केस में जो एक्सटेंशन रखना है वो रखना होगा HBS फाइल का नेम। ऐसा नहीं है, आप चाहो तो चेंज भी कर सकते हो उसको, HTML भी रख सकते हो। उसके लिए सेट करने पड़ते हैं चीज़ें, यहाँ पर जाओगे आपको दिख जाएंगी चीज़ें। ये देखो HTML के लिए तो ये चीज़ आपको सेट करनी होगी। तो अभी हम HBS ही रखते हैं, अगर आपको चेंज करनी है तो आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया आपका, इसको हम स्टार्ट करते हैं नोड मोड। तो ये देखो HBS व्यू इंजन कॉल हो गया, जो कि हमारा व्यू के अंदर है। इसमें मैं कुछ भी चेंज करता हूँ, ये हो रहा। लेकिन अब मेरे को क्या करना है, इसका पाथ चेंज करना है, व्यू की जगह कोई और फोल्डर बनाना है, उसमें डालना है, तो वो भी कर सकते हो आप। उसके लिए आपको न्यू फोल्डर बना लेते हैं पेजेस नाम का, ये रहा पेजेस। इसके अंदर हम एक व्यू का फोल्डर बना लेते हैं, तो जो मेरी फाइल है यहाँ से हटा के मैं पेस्ट कर देता हूँ मैं व्यू के अंदर। और अब यहाँ पर हम सेट कर देते हैं इसको इस तरीके से, क्योंकि हमने पाथ चेंज करा है इसका व्यू का। तो जो पाथ है वो हो जाएगा हमारा पेजेस के अंदर व्यू। अब इस व्यू के अंदर मैं कर देता हूँ, इसको हटा देता हूँ, चेक करते हैं यहाँ पर आया नहीं आया। ठीक है, ये आ गया यहाँ पर। ठीक है, अब इसमें जो चीज़ें कॉल होती हैं वो बताता हूँ मैं आपको। जैसे राउट ई कॉल हो रहा आपका, यहाँ से वैल्यू आ रही है नेम। तो इस नेम को प्रिंट कराने के लिए आपको लिखना पड़ेगा इसमें, S3 ले लिया मैंने, इसमें आपको डबल कर्ली ब्रेसेस
फिर उसके अंदर वो वैल्यू, जैसे इसको रिफ्रेश करोगे ये देखो वैल्यू आ गई है, अभी कोड इम्प्रूव। कोई और दूसरी वैल्यू प्रिंट करनी है, आईडी प्रिंट करनी है, आईडी इज, ये सीधा आईडी डाल दी, आईडी भी आ गई आपकी, ठीक है। अच्छा ये हम कुछ भी इसमें चेंज करते हैं तो ये रीस्टार्ट नहीं होता है, तो ये मैंने आपको बता रखा है, एक बार फिर से बता देता हूँ आपको। आपको नोड मोन, आपकी फाइल का नेम और साथ में एक्सटेंशन देने होंगे कि किसको वॉच में डालना है, जीएस को डालना है, ईजीएस को डालना है, या पक को डालना है, हम यूज़ कर रहे हैं एचबीएस इसको डालना है, या फिर जेसन हो गया। तो जो जो आपको चाहते हो कि जिसमें कुछ भी चेंज हो, कुछ भी मॉडिफिकेशन हो, तो आपका सर्वर जो है रीस्टार्ट हो जाए, तो आपको यहाँ पर सारे एक्सटेंशन डाल देने हैं। जैसे एंटर करोगे तो ये देखो ये बोल रहा है एक्सटेंशन यहाँ पर, ये वॉचिंग में जो आ गए हैं जेएस, ईजीएस, पग, एचबीएस, जेसन, तो इनमें से किसी फाइल में चेंज होता है, जैसे स्पेस का भी अगर चेंज हुआ और मैंने सेव करा तो देखो आपका रीस्टार्ट हो जाएगा। इसको मैं रिफ्रेश कर देता हूँ, ठीक है, ये तो हो गया आपका ये वाली चीज़ है। अब सपोज़ करो इसमें आप कोई लेआउट बना रहे हो, जैसे फुटर, हेडर, साइड बार, तो ये सारी चीज़ें हमारी कॉमनली काम करती हैं, तो वो चीज़ें कैसे मैनेज होंगी, तो उनके लिए भी आप यहाँ पर कॉमन फाइल बना के रख सकते हो। एक फोल्डर बना देता हूँ यहाँ पर कॉमन नाम का, इसको कॉल कैसे कराएंगे वो सब मैं बता देता हूँ आपको। तो ये हो गया हमारा, एक सेकंड, पेजेस के अंदर, अच्छा कॉमन इसके अंदर बना दिया मैंने, इसको कट करके मैं बाहर लेकर आ जाता हूँ। तो एक हो गया हमारा व्यू, इसके अंदर व्यू वाली फाइल है, कॉमन की फाइल है इसके अंदर होंगी, तो कॉमन बनाते हैं हम, कॉपी करा मैंने, पेस्ट कर दिया, ये कर दिया मैंने हेडर, इसको कॉपी करा मैंने, इसको कर दिया मैंने फुटर। तो इसमें मैं डाल देता हूँ सिंपल हेडर, इसमें मैं डाल देता हूँ फुटर, अब इनको यूज़ करना हमें, ठीक है, यहाँ पर। तो यूज़ करने से पहले इसका पास सेट करना पड़ेगा यहाँ पर, उसके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पर एक वेरिएबल बना लो एच बी एस का, जिसमें जो ये यूज़ कर रहे हो आप रिक्वायर एच बी एस, ठीक है, इस वेरिएबल को उठाओ आप, यहाँ पर आ जाओ, जो ये वेरिएबल है डॉट, आपको करना होगा रजिस्टर पार्सली, क्योंकि आप पार्सली पाथ यूज़ कर रहे हो, तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा आपको पाथ, वो कहाँ पर है, जैसे कि ये वाला पाथ, पाथ डॉट जॉइन, आपका पेजेस के अंदर कॉमन पार्ट डिफाइन हो गया आपका, ठीक है। अब हम यूज़ कर लेते हैं, व्यू के अंदर जाते हैं, पेजेस के अंदर, व्यू के अंदर होम पर आ गए हम, यहाँ पर हमको हेडर लगाना है, तो हेडर यूज करने का तरीका कर्ली ब्रेसेस, उसके बाद ये वाला साइन, उसके बाद उस फाइल का नेम हेडर, सेव करोगे आप, ये देखो आपका आ गया, उल्टा कर दिया क्या मैंने, अच्छा फुटर में डाल दिया हेडर, कोई दिक्कत नहीं, सही कर देते हैं इसे, ये देखो मेरा आ गया हेडर यहाँ पर। और अब इसमें फुटर डालना है, सेम इसको कॉपी करो, यहाँ नीचे डाल दो, और जो फाइल का नेम है फुटर, फुटर आ गया आपका, ठीक है। इसके बाद अब मान के चलो आपको एक और कंपोनेंट यूज़ करना है, जैसे कॉमन भी होता है, एक होता है आपका, एक आपने कोई कंपोनेंट बना रखे हैं या विजिट बना रखे हैं जो कॉमनली यूज़ करते हैं, आप चाहते हो मेरे को कॉमन में नहीं डालना है, उनको अलग एक फोल्डर बना के डालना है विजिट नाम का, तो आप वो भी बना सकते हो। और उसको कैसे यूज़ करोगे वो बता देता हूँ मैं, विजिट बना दिया हमने विजिट्स, उसके अंदर मैं फाइल डाल देता हूँ,
विजिट, जैसे कि साइड बार की कोई विजिट है आपके पास, या फिर एड्स की कोई विजिट है आपके पास, जो एड्स आते हैं ना उनकी कोई विजिट बना रखी है आपने, उसको हर एक पेज पे यूज़ करना है कॉमनली, या आपके पास कोई टूल है उसको यूज़ करना है आपको, जो हर एक पेज पे यूज होने वाला है, हर एक पेज पे हो या दो पेजों पर हो तो कॉमनली यूज हो, तो ऐसा कुछ, ठीक है। तो टूल्स, साइड बार, एड्स, ठीक है। अब मैं इसको यूज करूंगा यहाँ पर आईडी के नीचे, तो यूज करने का तरीका तो आपका सेम यही है, यहाँ पर लिख के आपको जो फाइल है ये होगी एड्स हो गया, तो मैं एड्स लिखूँगा जैसे मैं जाऊँगा यहाँ पर। अभी आपका चलेगा नहीं क्योंकि पार्सली एड कुड नॉट बी फाउंड, क्योंकि ये जो विजिट है ये हमने पाथ अभी डिफाइन ही नहीं करा है, तो इसको भी आपको रजिस्टर करना पड़ेगा इसी की तरह। ये कॉपी करो, आप नीचे एंटर मार दो इसको, और यहाँ पर पार्ट डिफाइन कर दो, पेज कॉमन वाला कर दिया हमने, अब हम यूज कर रहे हैं विजिट वाला। अब मैं जाऊँगा विजिट के अंदर, अब जितने भी ऐड साइड बार टूल जो हैं सब यूज हो जाएंगे। अब ये देखो ऐड आ गया इसका, और इसमें साइड बार यूज़ करना है इसी में, होम पेज में जाके इसको कॉपी करा मैंने, नीचे करा, यहाँ पर लिख दिया साइड बार, और साइड बार मेरा कहाँ पर है, ये रहा, इसको मैं डाल देता हूँ पी टैग में, स्टाइल लिख देता हूँ ऐसे, इसके कलर रेड, ये देखो मेरा साइड बार आ गया, टूल हो गया मेरा, टूल को भी मैं डाल देता हूँ इस्त्री में, स्टाइल कलर हो गया इसका ब्लू, सेम इसको कॉपी करा मैंने, नीचे डाल दिया, और यहाँ पर मैंने लिख दिया या टूल, कलर नहीं आया इसमें ना कलर, टूल, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हो, अपना लेआउट बना सकते हो कॉमनली, और वेरिएबल को कॉल कैसे करवाते हैं। और हाँ एक और चीज़, जो वेरिएबल आपका यहाँ से पास होगा राउट से, जैसे नेम पास हुआ है, तो जितने भी आपने इसके साथ इंक्लूड करे हैं वो कहीं पर भी आप कॉल करवा सकते हो उस वेरिएबल को। जैसे मैंने साइड बार में कॉल करवाया ना, मैंने साइड बार, उसके बाद वो नेम, कॉल कराने का तरीका ये है, यहाँ पर नेम जो कि हमारा ये यहाँ से पास हो रहा है राउट से होम वाले पेज पर, तो ये देखो यहाँ पर भी आ गया, ठीक है। तो कॉल कराने का तरीका जो हर जगह हम यूज़ कर रहे हैं, राउट्स, उसके बाद रिस्पॉन्स डॉट रेंडर, यहाँ से आपकी फाइल चली जाती है, और ये तो ये शायद मैं बताना भूल गया हूँ मैं, तो ये ऐसे ज़्यादा, ठीक है। तो आपकी जो एस पी एस वाली फाइल है ऐसे रन होती है, यहाँ से हमने राउट सेट कर रखे हैं, इसके बाद ये राउट पर जाता है, राउट पर हमने डिफाइन कर रखा है रिस्पॉन्स डॉट रेंडर होम, यहाँ से पैरामीटर पास कर दिया हमने, वो यहाँ पर गेट कर लिया, हेडर में, फुटर में, टूल में, जहाँ भी मर्जी आप कहीं भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो आज की वीडियो में एच वी एस भी कम्प्लीट हो गया, तो हमने व्यू इंजन ऑलमोस्ट सारे देख लिए हैं जो जो मोस्टली यूज़ करते हैं। अब आपको जो पसंद आए आप वो यूज़ कर सकते हो आगे, और बाकी वीडियो अगर आपको ये समझ आ गई है, पूरी पसंद आई, प्लीज़ लाइक कर देना, फिर नेक्स्ट वीडियो में नया टॉपिक लेके मिलते हैं। थैंक यू।